आजकल हमारे देश में क्या हुआ है, प्रेम विवाह बहुत होने लगे, लव मैरिजेज होने लगे, उसमें ये कोई ध्यान रखता नहीं, ना नाड़ी का ना गोत्र का, और सब लोगों को ये त्रास है। वो आते हैं मेरे पास, ज्यादातर प्रेम विवाह वाले एक संतान नहीं हो रही है, 10-10 साल से परेशान। फिर मैं कहता हूँ जरा ब्लड चेक करो, तो ब्लड चेक करते हैं तो पता चला एक ही दोनों का ब्लड ग्रुप है, तो हो ही नहीं सकती संतान, कितनी भी कोशिश करो। तब मैं उनको कहता कि आपको संतान का सुख नहीं है। तो कहते हमने क्या पाप किया था, तो मैंने कहा आपने पाप एक ही किया था, प्रेम विवाह किया था, यही पाप आपने किया। अगर नाड़ी गोत्र का ध्यान रख के करते तो ये नहीं होता। माने इसका क्या है, माने इसका सीधे से ये है कि अगर हम प्रेम विवाह भी करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते, अगर इस बात का ध्यान आप नहीं रखते तो आपको भविष्य में बहुत तकलीफें आएंगी। तब प्रेम तो छूट जाएगा, विवाह जो है घिसटता हुआ जाएगा। ये जो प्रेम है ना, ये ज्यादा नहीं टिकता विकता नहीं है, क्योंकि ये आवेग जैसा होता है, ये इम्पल्स है, एक कुछ खास तरह का हार्मोन हमारे माइंड में बनता है, उसका नाम है डोपामाइन। और डोपामाइन एक अकेला हार्मोन है जो थोड़ी देर ही टिकता है, तो प्रेम भी डोपामाइन का असर है, थोड़ी देर टिकता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, स्त्री में भी पुरुष में भी। और जब प्रेम खत्म हो जाता है तब जीवन में असली संघर्ष शुरू होता है, असली। और वो इतना खराब संघर्ष होता है कि कोई देख नहीं सकता। थोड़े दिन पहले तक दोनों एक दूसरे के लिए मरने की तैयारी में हैं, और डोपामाइन खत्म होते ही एक दूसरे को मार डालने की तैयारी में, ऐसी हालत हो जाती है। एक दिन पहले तक या दो दिन पहले तक या 5-10 दिन पहले तक किसी स्त्री को उसका पुरुष और किसी पुरुष को उसकी स्त्री, दुनिया का सबसे सुंदर, इससे ज्यादा सुंदर तो हो ही नहीं सकता। और 5-6 दिन के बाद ही दुनिया का सबसे कुरूप चेहरा वही है जो उसकी अपनी स्त्री है या उसका अपना पति है। ये सारा खेल डोपामाइन का है। तो प्रेम विवाह जो होते हैं ना, इनमें मैंने अक्सर देखा कि विवाह होते ही प्रेम थोड़े दिन में फना हो जाता है, खाली विवाह रह जाता है, लव चला जाता है, मैरिज रह जाती है, और वो ऐसी घिसकती है जैसे एक टांग का आदमी घिसकता। तो आप जीवन में कोई फैसला करें तो किसी आवेग में ना करें, मेरा ये कहना। एक डॉक्टर की नाते मैं आपको सलाह दूंगा कि कभी भी जब आपके मन में इंपल्स बहुत ज्यादा हो तो कोई फैसला मत करिए, क्योंकि फैसले के गलत होने की शक्यता सबसे ज्यादा। इंपल्स बहुत है तो एक बात याद रखिए, डोपामाइन नाम का हार्मोन बहुत है, और ये हार्मोन है विवेक को खत्म कर देता है, विवेक काम ही नहीं करता, विवेक काम नहीं करेगा, फैसला गलत होगा, फैसला गलत होगा, जीवन भर आप पछताएंगे कि हमने एक समय पे छोटा सा गलत फैसला किया, उसका दुष्परिणाम जीवन भर भुगतना पड़ा। तो ये आप मत करिएगा, प्रेम करिए, लेकिन विवाह करने से पहले इन बातों का ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कहता कि प्रेम मत करिए, प्रेम तो बहुत आवश्यक है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, ले जाने के लिए, लेकिन प्रेम का आवेग खतरनाक है। प्रेम खराब नहीं है, उसमें जो आवेग है, इंपल्स है, वो बहुत खतरनाक, उसको ध्यान रखिए। आपकी संतान के विषय में सोचकर, देश और समाज और धर्म के विषय में सोचकर।